अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फिलास, दिस इज निमरा ओल्ड स्कूल और स्कोप 360 के साथ एक और रिएक्शन वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस रिएक्शन वीडियो जो करने जा रहे हैं, जिस फिल्म पे करने जा रहे हैं, वो है कमली मूवी, जो कि सरमद खुसर की बनाई हुई है। खुसर प्रोडक्शन की मूवीज़ आप लोग जानते हैं, जो भी उनकी प्रोडक्शन है कितनी खूबसूरत होती है और लाइफ के कितने करीब होती है। ऐसे 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 वो टॉपिक्स उठाते हैं जिन पे शायद ही कोई काम करता हो, और बहुत इस पर आपको बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिक्स वो भी करते होंगे, क्रिटिसाइज भी करते होंगे, लेकिन वो स्टिल ये काम करते हैं और बहुत खूबसूरत बनाते हैं। अब मैंने ये मूवी जब देखी ना, आई वॉज लाइक स्टंट, बहुत खूबसूरत मूवी उन्होंने बनाई है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर देखिएगा, अगर आप आर्टिस्टिक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो। लेकिन अगर आपने सिर्फ इसलिए देखने के मैंने एंजॉय करना मूवी, तो आई डोंट थिंक कि आप ये मूवी एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं रिएक्शन वीडियो की तरफ और कमली मूवी स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को आपने लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, भूलना नहीं है। वाओ, अगर आप इसका टाइटल ही देखें ना, स्टार्ट जब आ रहा है कि जब आ रहा है खूसट प्रोडक्शन का नाम जब आ रहा है, उसके पीछे जब आप उसका आर्ट देखेंगे कितना खूबसूरत है, आपको तभी समझ आ जाएगी कि क्या खूबसूरत चीज़ प्रोड्यूस होने वाली है। वाओ, पहला सीन ही इतना खूबसूरत है, पहला सीन ही इतना उन्होंने खूबसूरत लिया है। बिल्कुल ऊपर से उन्होंने सारा व्यू दिखाया है, पानी और ग्रीनरी और 360 व्यू उन्होंने ऊपर से दिखाया है, बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, जब मैंने ये मूवी देखी ना, तो इसका जो म्यूज़िक था स्टार्ट से जो शुरू हुआ था, मुझे पहले इसकी ना समझ नहीं आई कि ये इतना इंटेंस और इतना इमोशनल म्यूज़िक क्यों है ये। फिर जब आपको सारी स्टोरी आप देखेंगे, मूवी देखेंगे, तब आपको समझ आएगी कि कितना उससे इंटरलिंक्ड है। और बहुत आर्टिस्टिक फ्रेम्स हैं, वाओ लेवल। अच्छा, इसमें ना डायलॉग्स बहुत ज़्यादा हैं और ना ही किसी किस्म की कोई मार धाड़ है। ये बिल्कुल आप कह सकते हैं जैसे फीचर फिल्म्स होती हैं ना, सॉरी आप कह सकते हैं इसको फेस्टिवल मूवीज़, जो कि फेस्टिवल्स में जाती हैं, जिस पर क्रिटिक्स क्रिटिसाइज़ करते हैं और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ देते हैं, ये उन मूवीज़ में से है। और कितना अच्छा उन्होंने इसको बनाया भी और डिपेंड भी कितना अच्छा किया होगा, मुझे तो बहुत पसंद आई थी, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने इसको बड़े अच्छे से जस्टिफाई किया है, इस टॉपिक को। वाओ, सीन्स इतने खूबसूरत और इतने सिनेमैटिक लिए गए हैं ना कि आप सोचते हैं कि ये पाकिस्तान की प्रोडक्शन है, इतने स्टंट हो जाते हैं। अच्छा, ये तीन लड़कियों या तीन खातीन के गिर्द रिवॉल्व करती है इसकी स्टोरी, जिनकी अपनी अपनी डिज़ायर्स हैं लेकिन पूरी नहीं हो पाती हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, किसी की लाइफ ऐसी है कि वो अपने अपने डिज़ायर्स, जो बहुत ह्यूमन नेचर है, वो डिज़ायर्स पूरी नहीं हो पाती हैं। और उन डिज़ायर्स के पूरे ना होने की वजह से इंसान जो है वो उसका कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऐसा आ जाता है, उसके ऊपर ऐसा फेज़ आता है कि वो इमेजिनेशंस में उन चीज़ों को सोचने लगता है कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है या मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये जो मुझे पसंद है चीज़ वही हो रही है। और ये बड़ा बड़ा कॉमन एक इशू है आजकल, खासतौर से लड़कियों के लिए। खूबसूरत सीन्स, खूबसूरत। ये जो अभी सीन देखा हमने, जिसमें ये आर्ट के लिए सभा कमर लेटी हुई है और लड़कियां कुछ बैठी हुई हैं, और इसमें एक आर्टिस्ट है जो कि इनकी पेंटिंग बना रही है, उसकी भी एक अलग स्टोरी है कि वो क्या है, वो क्यों ये करती है, अपनी इसकी क्या लाइफ है, वो किस तरह से इन चीज़ों का अपने टेंशन्स को अपने प्लेजर में बदलने की कोशिश कैसे कर रही है, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा। वाह, इसमें भी सबा कमर पे ये दिखाया गया कि वो भी अपनी इमेजिनेशन से खेल रही है, उसकी उसके पास जो लड़का है इस वक्त वो उसकी इमेजिनेशन ही है। और
एंड पे उसको जब पता चलता है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है या मेरी जो लाइफ चल रही है वो बिल्कुल भी मुझे, मैं वो डिज़र्व नहीं करती या ये वो चीज़ नहीं है कि जो मेरे ऊपर लागू कर दी जाए या इन्फोर्स कर दी जाए, आई डू हैव माई राइट्स, वो ये जब समझ जाती है तो वो रेबल हो जाती है. वाओ. अच्छा, इसमें ट्रेलर में तो नहीं लेकिन इस मूवी में एक छोटी सी बच्ची का एक कैरेक्टर है, दो तीन जगहों पे आया है. वो बच्ची बोलती नहीं है लेकिन वो सबा कमर को देखती है, उसके देखने से सबा कमर अपना रास्ता बदल लेती है या उसको एंड पे रोकती है कि आप वापस जाओ. एंड पे ये चीज़ें सारी खुलेंगी जिसका आपको, जो कि इसमें सस्पेंस पूरा नहीं खोलने वाली कि क्या है या क्यों है, वो आप मूवी देखेंगे जब तब आपको समझ आएगी. और अगर आप आर्टिस्टिक अप्रोच रखते हैं तो ही आप इस मूवी को एंजॉय कर सकेंगे, वरना आप बोर होकर बाहर आ जाएंगे. वाह. इसमें उन्होंने बेसिकली ये दिखाया कि लड़की अगर, या कोई भी लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, ह्यूमन नेचर है कि आप अगर अपनी लाइफ में खुश नहीं हो तो आप अपनी इमेजिनेशंस के थ्रू खुश रह सकते हो, और इसमें सबा कमर यही कर रही है. और जो एक्टिंग कर दी है सानिया ने, सबा कमर ने और सब ने, बहुत बहुत लेवल कर दिया. सानिया की जब आप एक्टिंग देखेंगे ना तो आप खुद ये कहेंगे कि सरमद खुसट ने बहुत खूबसूरत प्रोडक्शन दी है, बहुत खूबसूरत प्रोडक्शन. सरमद सुल्तान खुसट एंड द फिल्म इज एंडेड. आपने सारी मूवी मेरे साथ रिएक्शन में देखी. आपको अगर आप आर्टिस्टिक, मैं बार बार ये बात कर रही हूँ, अगर आप आर्टिस्टिक अप्रोच रखते हैं तो आपको ये मूवी पसंद आएगी, अदरवाइज आप बोर हो जाएंगे. अब जो लोग आर्टिस्टिक अप्रोच रखते हैं तो शुरू से ही जहाँ पे खूबसूरत फिल्म्स का नाम आया था वहाँ से लेके एंड तक आपको समझ आएगी कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है. आप जो सारा आर्ट पीछे से लेके पूरी मूवी तक का देखेंगे ना, आपको तभी पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है. अब हर किसी का अपना अपना अप्रोच होता है, कुछ सिनेमैटिकली देखते हैं, कुछ अपना DOPs अपने सीन्स के हवाले से देखते हैं कि क्या फ्रेमिंग है, और हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन पूरी की पूरी क्या है. अब मुझे तो बहुत पसंद आई. अब आप लोग अगर पसंद करते हो कि इस तरह की मूवीज़ आप लोग देखें तो आप इसको ज़रूर जाके देखें. सिनेमाज में ये लग चुकी हुई है और ज़रूर आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह. आप जो आर्टिस्टिक अप्रोच रखते हैं उनके पैसे पूरे हो जाएंगे ये मूवी देखने पर. तो हमारी वीडियोस को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि मज़ीद कौन सी मूवीज़ पे या कौन सी ड्रामास पे या फिल्म्स पे या गानों पे हम लोग जाएँ, गाना वगैरह पे हम लोग रिएक्शन दें. और उसके साथ निम्रा स्कूल को दे इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.